Fourth क्या है, a train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed has been 8 किलोमीटर less per hour, 8 किलोमीटर per hour less, then it would have been 3 hours more to cover the same distance. अब देखिए, अगर आपने 480 रखा और यूनिफॉर्म स्पीड आपका x है, ठीक है, और 8 किलोमीटर अगर आपने लेस किया होता तो आपको 3 घंटे ज्यादा लगते. इसका मतलब इन दोनों में कितना का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है. सो आपको यही बनाना है. मैंने कुछ नहीं किया, बस लेट ओरिजिनल स्पीड क्या था, ओरिजिनल स्पीड था x, और जब x माइनस 8 किया उसे जितना टाइम लगा वो जब ओरिजिनल था उससे 3 घंटे ज्यादा था. ठीक है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन बन के आ गया. सो इसका मतलब क्या है, 480x माइनस 480x प्लस 480 इंटू 8, तो 88, ये देखिए 8 4 जा 3 3200 और प्लस 640, तो 38 3840 और इधर क्या आएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स, राइट. सो ये कैंसल आउट हो गया. इसका मतलब क्या हुआ, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0. आप चाहें तो इस क्वेश्चन से 3 को कॉमन भी ले सकते हैं. सो आएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 एंड यहां पे आपका 280. इस तरह से आपका इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा.